हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने मैं बहुत सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो आज मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ और जो भी हमारे को पीस की ज़रूरत होगी उसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। ये मेरा एक पीस है जो 6-6 इंच का है। ये मेरे दो पीस हैं जो 3.5-3.5 इंच के हैं। ये मेरा एक पीस है जो 3.5 इंच का है। ये मेरा एक पीस है जो 4 इंच का है। ये भी मेरा एक पीस है जो 4 इंच का है। ये मेरे तीन पीस हैं जो 4-4 इंच के हैं। ये मेरा एक पीस है जो 4-4 इंच का है। तो फ्रेंड्स, आपको ये दो पीस लेने होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक पीस तैयार किया हुआ है। और आपको ये दो पीस, ये देखिए, ये मैंने दो दो पीस तैयार किए हुए हैं। तो आपको एक पीस ये लेना है 4-4 इंच का और एक पीस ये लेना है 4 इंच का। और इसमें भी आपको यही करना है फ्रेंड्स कि एक पीस आपको 4 इंच का ये लेना है तो एक पीस आपको 4 इंच का ये लेना है। क्योंकि ये हमने इस तरीके से किया हुआ है कि ऐसा हमने पीस रखा 4-4 इंच का और यहाँ स्केल की मदद से लाइन लगाई है और दोनों साइड साइड में सिल के और हमने इसको बीच में से कट करके ये हमारा इस तरीके से डबल शेड का पीस तैयार हो गया है। और हमने फिर इसको 3 इंच नाप के कट कर लिया है। तो ऐसे ही मैंने पीस बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो पीस हैं लेकिन हमें एक पीस इसका लेना है और एक पीस हमें इसका लेना है। तो उससे हमारे ये दो पीस हो गए। और इसका भी हमें ऐसे ही करना है कि एक पीस ये लेना है और एक पीस ये वाला लेना है, जिससे हमारे दो पीस कट हो गए हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स। और ये हमारी एक पट्टी है जिसकी लंबाई 5 इंच है और जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। तो मैं आपको इनको सेट करके दिखाती हूँ। तो जैसे हमने ये पीस लिए हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसके ऊपर दूसरा पीस रख के सिल सकते हैं, नहीं तो आप इनको बीच में से कट भी कर सकते हैं। तो ये पीस मैंने कट करके रखे हुए हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको इनको सेट करके दिखा देती हूँ। तो मैं पहले इनको सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ पीस मैंने अपने सेट कर लिए हैं और कुछ पीस मेरे बच गए हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने ये एक पीस लिया, पहले हम इस पीस को बीच में से कट कर लेते हैं। तो मैं पहले लाइन लगा लेती हूँ जिससे कि हमें आसानी रहे। ये देखिए मेरी लाइन लग गई। बाद में हमें जितने भी पीस जब हमारे तैयार हो जाएंगे तो हमें 3.5-3.5 इंच नाप के इनको बराबर कर लेना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसके साथ हमारा ये पीस जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको सिल लेंगे इस तरीके से। तो हम इसको यहाँ से सिल लेंगे। तो हमारा सिलने का फ्रेंड्स, पहले ये सिल लेते हैं दोनों पीस। तो मैं पहले इसको सिल लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस देखिए तैयार हो गए हैं। अगर मैं आपको इसको वैसे सिलना बताती तो पहले मैं आपको दोनों कपड़ों के साथ सिलना बताती, लेकिन ये मेरे पीस कट किए हुए थे इसलिए मैंने आपको सिल के बता दिया है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको भी कट करेंगे। तो हमें इसके साथ ये एक पीस जॉइंट करना है, यहाँ से हम सिलेंगे। एक पीस हम इस तरफ रखेंगे। तो हमें ये इस तरीके से चाहिएगा फ्रेंड्स कि जब ये हो जाएगा तो ये हमें इस तरीके से यहाँ पे पीस आ जाएगा इस तरीके से। और इसको भी हम जब ऐसे रखेंगे तो इस तरफ भी पीस ऐसे ही इस तरीके से, तो ये पीस इधर भी ऐसे ही आ जाएगा। तो पीस मिला लीजिएगा फ्रेंड, ये दोनों साइड हमारी इस साइड होनी चाहिए और ये दूसरी तरफ, तो इसी डायरेक्शन में ऐसे ही। तो हम इसको यहाँ से सिल लेंगे और इसको भी ऐसे यहाँ सिल लेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए मेरा ये सिल गया है।
जी देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम इस पीस को कट करेंगे, तो इस तरीके से। तो देखिए ये पीस कट हो गया, इसको हम 3.5 इंच नाप लेंगे, पर पहले मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए आराम से कट हो गया, और इसको भी हमने यहाँ लगा लिया। इसको भी हम 3.5 नाप लेंगे, क्योंकि जितने भी पीस हमारे फ्रेंड्स वो हमें 3.5-3.5 इंच रखने हैं। तो अब हमारे ये 2 पीस बच गए हैं, तब हम इसको भी हमें हम इस वाले पीस से, ये हमने 2 पीस ले लिए हैं। ये देखिए हमने एक ही पीस लिया था, उसमें से हमने बीच में से कट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इस तरफ इसको ही ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे, और इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। जैसे मैंने ये सिला है ऐसे ही हम इसको भी सिलेंगे। तो मैं इसको भी सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारे सिल गए हैं, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम ये वाला पीस लेंगे और एक पीस ये लेंगे। तो ये एक पीस हमारा बीच में से कट कर लिया है, तो 2 हो गए। अब इसे हमें इस तरीके से सिलना है। ये देखिए इस तरीके से पहले हम इसको यहाँ से सिल देंगे, पलट देंगे, फिर इसको हम यहाँ रख के सिलेंगे और फिर पलट देंगे। तो मैं ये पीस भी सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये भी सिल गया है और ये भी मेरे पीस सिल गए हैं, सब हो गया। अब हमारा लास्ट पीस ये बच रहा है, तो हम इसको कैसे सिलेंगे, इस पीस को हम ऐसे रख लेंगे। इस पीस को हम इनको हम थोड़ा प्रेस कर लेंगे, फिर इसको कट करेंगे 3.5-3.5 इंच नाप के। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको 2.5 इंच नाप लेंगे, और यहाँ से भी हम इसको 2.5 इंच नाप लेंगे। तो ये हो गया, तो हम इसे 2.5-2.5 से इसको एक लाइन लगा लेंगे, और जो हमें सिलना है उसको भी हम ऐसे ही लाइन लगा लेंगे। तो ये हमने 2 लाइन लगा ली, तो हमें ये लाइन छोड़ के हम इस लाइन पे सिल लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसको भी सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ये सिल गई है, अब हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे। तो देखिए मैंने कट कर लिया। अब कट करने के बाद ये देखिए ये पीस इस तरीके से हो जाएगा। ये हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया। अब हमें इसका जो एक्स्ट्रा है उस पर नाप लगा के उसको कट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये हो गया। तो इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए ये कट हो गया। अब हम इसको सारे पीस हमारे अब तैयार हो गए हैं, तो अब हम इनको सेट करेंगे। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं, और अब हम इन पीसों को अच्छी तरीके प्रेस कर लेते हैं, और फिर इनको 3-3, ये हमारा 3-3 इंच का बोर्ड है, उसे हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए कि हमारे यहाँ भी कोने से कोना जुड़े हुए आने चाहिए, और यहाँ से भी कोना जुड़ा हुआ आ रहा है। तो ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा बोर्ड नहीं है तो आप मोटे कागज़ का या गत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आप पहले नाप लीजिए, नाप के उसको कट करके रख लीजिए फ्रेंड्स, फिर उसको इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इंची टेप से ही अच्छी तरीके से नाप लेके कट कर सकते हो तो आप उससे कर लीजिएगा, वरना इस तरीके से आप बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो मेरा एक्स्ट्रा था वो सब साइड में आ गया है, और ये मेरा फिनिशिंग से तैयार हो गया है। तो ऐसे ही हम पहले इन सारे पीसों को कट कर लेंगे। तो ये हो गए फ्रेंड्स, और जो मेरा ये पीस है इसको हम इस तरीके से करेंगे कि इसको बीच से लेंगे इस तरीके से। याद रखेंगे कि हमारा बीच ये है, इस तरीके से। तो हम
दोनों कोने से कोना मिला लेंगे। ये देखिए हमारा दोनों कोने कोने से मिले हुए हैं, और अब हमारा जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड, हमारे सारे पीस 3-3 इंच के होने चाहिए। तो हमारे सारे पीस 3-3 इंच के हो गए हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको बड़े बनाने हैं तो आप 3.5-3 इंच के रखिए, और उससे भी बड़े बनाने हैं तो आप 4 इंच के 5 इंच के इस तरीके से पीस बड़े कर लीजिएगा, इससे हमारा डिज़ाइन बड़ा बन जाएगा। तो हमने अपने सारे पीस 3-3 इंच के हिसाब से हमने सारे पीस कट कर लिए। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम इस पीस को भी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको सेट करके दिखाती हूँ। तो मैं सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन सेट हो गया है। तो मेरी बटरफ्लाई तैयार हो गई है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनको बारी बारी सिलेंगे। तो मैं इधर का हम 4-4 पीस एक साथ सिलेंगे। तो 4 पीस ये हो गए, तो 4 पीस ये हो गए, हम 4-4 करके सिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको रखेंगे, यहाँ से इसको सिल देंगे, फिर उसके बाद इसको रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। जब ये हमारे दोनों सिल जाएंगे तब हम इसे इसको पलट के यहाँ पे जॉइंट से जॉइंट को मिला के और यहाँ से सिल देंगे। तो मैं पहले आपको एक पीस सिलना बता देती हूँ, सिल के दिखा देती हूँ, फिर मैं बाकी के पीस सिलूँगी। तो मैं इसको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये ऊपर का ये हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ जॉइंट से जॉइंट को मिला लेंगे। और एक एक पीस हम जैसे ये हमारा हो गया, तो हमें एक इस तरफ करना है, इधर का हिस्सा इधर का इस तरफ करना है, ताकि यहाँ से हमारा हैवी ना हो जाए। अब हम इसको सिल देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये हो गया है। ऐसे ही हमें ये पीस सिलने हैं। तो मैं इन सबको सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे 4 पीस हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पीस को यहाँ ऊपर रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। जो हमारा ये एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें ये ब्लैक वाला कट करना है, क्योंकि ये हमने हल्का सा एक्स्ट्रा ही लिया था, ताकि जो भी कट करना हो मैं इसमें से कट कर सकूँ। तो हम यहाँ से अब इसको सिल देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये हमारा सिल गया है फ्रेंड्स। अब हमें इन पीस को सिलना है। तो हम इन पीसों को ऐसे रखेंगे और यहाँ जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ सिल देंगे। तो हम सिल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। अब हम इसे इसके ऊपर पलटेंगे और जितने भी हमारे जॉइंट हैं, एक जॉइंट यहाँ आ रहा है तो यहाँ पिनअप करेंगे, यहाँ पिनअप करेंगे, और बाकी हम यहाँ से फिर इसको सिल देंगे। तो मैं आपको इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कंप्लीट हो गया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मैंने अभी दिखाने के लिए चौक से इसकी आंखें बनाई हैं, और ये इसके जो तितली के होते हैं ये बनाए हैं फ्रेंड्स। पर आप इसको या तो आप कलर कर लीजिए या आप इस पर कढ़ाई कर लीजिए। तो आप इसको जब कढ़ाई करेंगे तो इसे भी ब्लैक कलर का ही बनाइएगा फ्रेंड्स। और जो आंखें हैं, आंखें आप किसी भी कलर के बना सकते हैं, वाइट कलर की बनाइएगा, इससे थोड़ा अलग से दिखाई देगा, उभर के आएगी चीज़। तो देखिए मेरा पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है बटरफ्लाई का डिज़ाइन। तो आप ऐसे ही बटरफ्लाई का डिज़ाइन कुछ ना कुछ बनाइए, यूज कीजिए। तो मैं आपको यूज करने के लिए ऑप्शन आपको बहुत सारे बताती हूँ फ्रेंड्स। चाहे आप बच्चे की बेडशीट बनाइए, बिछौनी बनाइए, और ब्लैंकेट बनाइए, या टीवी कवर, फ्रिज कवर, मेज कवर, या कोई आप बड़ी सी कोई अपने लिए कोई बेडशीट बनाइए, बड़ी सी पर्दे बनाइए। तो आप जो जी करे आपका वो बनाइए। तो मैंने आपको डिज़ाइन बना दिया, दिखा दिया है। तो आप इसी डिज़ाइन का कुछ ना कुछ यूज कीजिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।